सो गाइस वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल डेट पहाड़ी बॉय। और आज हाईवे पे तो ऋषिकेश की तरफ रुक कर रहे थे। आप सबने व्लॉग्स अभी देख लिए होंगे या फिर मैं आप डालने वाला हूँ इस वीडियो के बाद, तो व्लॉग आप जरूर देख लेना ऋषिकेश का। लेकिन मैं सोच रहा था ना, जब ऋषिकेश आए तो मैंने इससे पहले एक वीडियो डाला था जो जावा 42.2.1 के ऊपर था। तो उस वीडियो में दरअसल क्या था ना कि बहुत लोग कमेंट्स आ रहे थे, मैंने कंपेयर किया था थोड़ा सा क्लासिक के लिए बुलेट के लिए। आई नो बुलेट इज लीजेंड, बट मैंने एक छोटा सा कंपेयर किया था बुलेट और जावा के बीच। तो क्या हुआ ना, बहुत लोगों के कमेंट आए कि किड्स यूजेस जावा एंड लेजेंड यूज बुलेट। तो ऐसा कुछ नहीं है गाइज, दोनों बाइक अपनी जगह बहुत सही है। देखो मैं खुद जो है क्लासिक का मालिक हूँ, मेरे पास खुद क्लासिक है, लेकिन मैं कभी तारीफ नहीं करता कि क्लासिक बहुत अच्छी चलती है, बुलेट रॉयल है, रॉयल इनफील्ड जो है लीजेंड है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो क्या होता है ना, हर बाइक का जो क्रेज होता है, हर बाइक की जो जर्नी होती है या फिर रेस होती है, वो हाईवे पे नोटिस की जाती है। तो इस वक्त हम हाईवे पे हैं और हाईवे पे मेरे साथ जो है दो बीस्ट हैं, मतलब एक ग्रीन जावा और एक मेरी खुद क्लासिक 350 फैंटम जिसका मैंने नाम रखा हुआ है। तो क्या है ना, मैं इन दोनों के साथ आज रेस करने वाला हूँ। ये मैं खुद चलाने वाला हूँ और ये मेरा फ्रेंड जो है साहिल चलाने वाला है, जो मेरे साथ है। मैं आपको मिला देता हूँ अभी थोड़ी देर में। तो ऋषिकेश की तरफ थोड़ा रुक कर रहे थे इसलिए थोड़ा सा बैक पैक है, बैग जो है टैंक बैग में रखे हुए हैं। तो रेस होने वाली है और रेस में अब आप देख लेना कि जीतती कौन सी बाइक है। आई नो कि बुलेट शायद जीत जाए, बट आई एम डैम श्योर कि जावा भी शायद जीत जाए। तो बातें कम करते हैं, सीधा दिखाते हैं। और हाँ एक बात और गाइज, ये सिर्फ शूट के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कोई पर्पस नहीं है रेस लगाने का हाईवे पर। ना मैं कभी रेस लगाता, बस मुझे जावा और क्लासिक में एक बार कंपैरिजन देखना था। तो इसलिए मैं बस थोड़ा सा आज हाईवे पे F1 ट्रैक बनाने वाला हूँ। तो देखते हैं कौन सी बाइक जीतती है, कौन क्या है, जो भी होगा एंड में आपको बताता हूँ। फिलहाल 5 किलोमीटर तक हम लोग रेस लगाने वाले हैं 3 पैरामीटर में। तो देखते हैं कैसा फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होने वाला है। तो मेरे साथ साहिल है, साहिल है जो जावा के राइडर है, बहुत अच्छी बाइक चलाते हैं और इनका एक ग्रुप भी है। और ये जावा को आज चलाने वाले हैं और मैं जो है क्लासिक को चलाने वाला हूँ। साथ में दीपक है पीछे और अमन है, जो हम लोग ऋषिकेश की तरफ जा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना जो थोड़ा सा रेस का मजा लिया जाए। तो चले चलो गाइस। तो भाई क्या है ना, GoPro लगा लेता हूँ, हेलमेट मेरे पास है, माउंट मेरे पास है और GoPro भी शायद मेरे पास है, मैं देख लेता हूँ। हाँ ये रहा। तो मैं जो है GoPro को जो है ऐसे माउंट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, मेरा GoPro जो है हेलमेट में लग जाएगा और ये GoPro जो है बिल्कुल फिट हो गया है। अरे सर भाई, जो है बाइक जो है स्टार्ट हो चुकी है और ये है जावा, साहिल जावा जो है साथ में है और मेरे साथ बुलेट। तो अब थोड़ा सा रेस लगा लेते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। तो चलो आओ। तो भाई पहला राउंड 20-40, थोड़ा सा साउंड का दिक्कत होगा मैं आपको पहले बता दूँ। जावा चलो गाइस, पहले राउंड में फुल एक्सीलेटर खोलने के बाद 120 मैक्स, 115 मैक्स आई थिंक, तो 115 पे मैक्स जा रही है। तो अभी थोड़ा सा हम लोग खाली रास्ते का वेट करते हैं, टर्न ले रहे हैं ये लोग, समझ ही नहीं आता, पूरा रोड जो है ट्रैफिक कर दिया। आया ये ओ, तो आगे जो है पुलिस है, तो बाइक वालों के लिए रूट सही है आई थिंक, बाइक वाले जो है जा सकते हैं। थैंक यू पुलिस। तो अब जो है रेस दोबारा स्टार्ट करते हैं, बहुत पीछे स्टार्ट हुई बुलेट। तो
तो भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी मैं चोरी छुपे आगे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ भीड़ में, तो ही मैं जीत पा रहा हूँ, अदरवाइज लंबी रेस में तो मैं नहीं जीत पा रहा, ये तो फैक्ट है। और आज जो है महाशिवरात्रि है, तो महाशिवरात्रि का थोड़ा सा ट्रैफिक ये हमें दिखा है यहाँ पे। नो डाउट यार, जावा बाइक है, मैं तारीफ नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास खुद क्लासिक है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे क्लासिक पसंद नहीं है, मैं चाहता तो भी मैं जावा आई थिंक नहीं लेता क्योंकि क्लासिक, आई लव क्लासिक। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा भाई जीतने का, कितने पे चल रही थी बाइक? मैं पूरी नहीं खोल रहा था इसको, 125 में नॉर्मली आगे कुछ ना कुछ आ जाए, इसलिए मैं 120 तक आराम से जाती है, 120 तक आराम से जाती है। वीडियो बनी है मन, थोड़ी बहुत बनी है ना, तो 120 तक जो है जावा जा रही, 125 तक आराम से जा रही थी। तो साहिल का कहना है कि 135 तक मिनिमम भाग जाती है, लेकिन मेरी बाइक 120 से ऊपर नहीं भाग रही, तो वो 125 से ऊपर नहीं चला रहा था, उसका इतना वो नहीं था। और दीपक ने इंडिकेटर दिया वहाँ से निकलने के लिए। कम ऑन गाइस, यहाँ पे तो हम कुछ रफ ड्राइविंग आज करने वाले हैं। बाप रे बाप, ओ माय गॉड। तो ये हो गई कुछ ड्राइविंग,